नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं रम्या रामायणी कथा। भरत अयोध्या में प्रवेश करने के बाद सीधे अपने पिता के महल में पहुंचते हैं, लेकिन पिता के महल में तो महाराज दिखाई नहीं देते हैं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं, अपश्यंस्तु ततः तत्र पितरम पितुरालये। पितुरालय यानी पिता के घर में अपने पिता को ना देख करके जगाम भरतो दृष्टुम मातारम मातुरालय। तब भरत जो हैं अपनी माता के भवन में जाते हैं, कैकेयी के भवन में जाते हैं। अनुप्राप्तम तु तम दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितम सुतम उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। देखिए कवि की विशेषता होती है कि वो अपने काव्य में कुछ ऐसी बातें छोड़ देता है जिसके आधार पे अगर विचारक विचार करें तो उन्हें सारी वास्तविकता का ख्याल आ जाता है। भले काव्य में लिखा कुछ और गया हो, लेकिन उसमें ध्वन्यात्मक रूप से क्या प्रकट होगा, ये कवि अपनी रचना में कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों का प्रयोग करके उसको प्रकट कर सकता है। यहां कैकेयी स्वार्थी है, इस चीज को तो शब्दों से ही कह दिया गया है, लेकिन वो कैकेयी किस हद तक स्वार्थी है और किस हद तक वो दुर्मना है, इसको अभिव्यक्त करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जो है यहां वर्णन करते हैं कि जब कैकेयी के भवन में बहुत दिन के बाद उनका पुत्र भरत प्रवेश करता है, उत्पपात तदा हृष्टा, तब वो प्रसन्न होकर के खड़ी होती है। और कहां से खड़ी होती है, ये जो वाक्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, त्यक्त्वा सौवर्णमासनम, सोने का आसन छोड़ के खड़ी होती है। अरे जिसके पति का शव अभी भी राजभवन में विद्यमान हो, वो स्त्री किसी सुवर्ण सिंहासन को अपना आसन बना करके कैसे बैठ सकती है। ये जो बात कही यहां महर्षि वाल्मीकि ने वो पर्याप्त है इस चीज को व्यक्त करने के लिए कि कैकेयी रोई गाई जो भी उसने किया है, लेकिन वो खाली दिखावे के लिए है। यहां कैकेयी को किसी भी प्रकार का दुख महाराज दशरथ की मृत्यु का नहीं है। सा प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्री विवर्जितं भरतः प्रतिजिग्राह जनन्यौ चरणौ उभौ। वहां पहुंच करके भरत जो है माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैकेयी सुवर्ण सिंहासन से उठ करके प्रणाम करते हुए भरत को अपने गले से लगा लेती है, उसका माथा सूंघती है, क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसी के लिए तो उसने सब कुछ किया है। और फिर भरत से कहती है, अद्यते कचित रात्रः च्युतस्यार्कस्य वेश्मनः अपिनाध्य श्रमः शीघ्रं रथेना पततस्तव। अरे भाई, आपको अपने मामा के यहां से निकले हुए कितने दिन हुए हैं, शीघ्रतापूर्वक आप रथ से आ रहे हैं, तो आपको थकान तो नहीं लगी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस प्रकार से कुशल क्षेम पूछती है भरत की। और फिर कहती है, आर्यकस्ते सकुशली युधाजित मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्रम सर्वम मे वक्तुमर्हसि। अरे भाई, आपके नाना, आपके मामा युधाजित सब लोग प्रसन्न तो हैं वहां पे, और प्रवास में आपको कोई अधिक परेशानी तो नहीं हुई, वो सारी बातें मुझे विस्तार से बताओ। एवं पृष्ठस्तु कहके या प्रियम पार्थिव नंदना आचष्ट भरता सर्वम मात्रे राजीव लोचन। ऐसे में भरत जो है पूरी अपनी जो यात्रा की कथा है वो माता को सुना देते हैं, और ये भी बताते हैं, यन्मे धनम च रत्नम च ददौ राजा परंतपः। मुझे जो रत्न धन संपत्ति उन्होंने दी है, यानी नाना और मामा ने दी है, उस सबको परिश्रांता पथ्य भवत तो हम पूर्व मागता, उस सब को मैं पीछे छोड़ करके और शीघ्रता पूर्वक, क्योंकि मुझे जल्दी बुलाया गया था इसलिए मैं यहां गुरुदेव पुरोहित की आज्ञा को ध्यान में रख करके और मैं शीघ्रता पूर्वक आ गया हूं। वो सारी धन संपत्ति को मैं पीछे, क्योंकि वो लोग थक गए थे, वो हमारी तरह नहीं चल पा रहे थे, इसलिए उनको छोड़ करके मैं चला आया हूं। देखिए यहां सिर्फ ये कहना नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जब भरत ये कहते हैं कि नाना मामा ने जो संपत्ति मुझे दी थी उस संपत्ति को मैं पीछे छोड़ के, क्योंकि मुझे संपत्ति का लोभ लालच नहीं है, मुझे तो मेरे पिता से जाकर के मिलना है और जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी आज्ञा हुई है इसलिए मैं कितनी जल्दी यहां पहुंच जाऊं, ये थी, ये है भरत का स्वभाव।
नहीं तो व्यक्ति को ऐसा, अरे ठीक है एक दिन बाद पहुंच जाएंगे, इतनी धन संपत्ति जो सारी सामग्री दी गई है उसको ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, कोई उसको लूट लेगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, भरत ने अपने चरित्र से अपने स्वभाव को यहां व्यक्त किया है। फिर भरत माता के कैकेयी से पूछते हैं, सुनोयम शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषिता, सोने से बना हुआ तुम्हारा ये जो पलंग है ये आज सुनने दिखाई दे रहा है, न चायम इच्छाकु जना पृष्ठा प्रतिभाति में, यहां महाराज दशरथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिताजी यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर राजा जो है कैकेयी के भवन में रहते थे। भरत स्वयं कहते हैं, राजा भवति भूयिष्ठम मिहांबाया निवेशने, मैं जहां तक समझता हूं ज्यादातर महाराज आपके ही भवन में रहते थे। तमहम नाद्य पश्यामि दृष्टमिच्छन् निहागतः, उनको मैं इस समय यहां नहीं देख पा रहा हूं। भरत को पिता से मिलने की बड़ी जल्दी है और इसलिए वो पहले पिता के भवन में गए थे। वहां जब पिता नहीं मिले तो पिता अधिकतर माता कैकेयी के भवन में रहते हैं, इसलिए वो दौड़ के यहां आए हैं। और यहां भी कैकेयी से और सारी बातें हो रही लेकिन पिता दशरथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब भरत पूछते हैं तो कैकेयी जो जवाब देती है वो बड़ा ही सुनने योग्य है। या गति ही सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पितागतः, भाई समस्त भूतों की जो गति है अंतिम गति तो यही होती है, अंत तो गत्वा तो व्यक्ति को मृत्यु के मुख में ही जाना है, मरना ही है, वही एक सत्य है। मृत्यु सत्यम जगत मिथ्या ऐसा हम कह सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जगह है। इस संसार की बात अगर हम करें तो मृत्यु सत्यम जीवनम मिथ्या ये हम कह सकते हैं। तो वही बात ये कह रही है, या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पिता गता, सभी प्राणियों की जो अंतिम गति है उस गति को तुम्हारे पिता प्राप्त हुए हैं। राजा महात्मा तेजस्वी यायजू कह सताम गति, हमेशा अपने आश्रितों का पालन करने वाले तेजस्वी सज्जन जो महाराज हैं उन्होंने उस उत्तम गति को प्राप्त। जैसे ही भरत ने यह बात सुनी, हा हतो स्मीति कृपणाम दीनाम वाच्य मुदीरयन निपपात महाबाहु बाहु विक्षिप्य वीरवान। भरत ने स्वप्न तो देखा था, वो स्वप्न इतना सच हो जाएगा बिल्कुल जो वो सोच रहे थे वही बात हो जाएगी। ये जैसे ही महाराज की मृत्यु का समाचार सुना है, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, हा हतो स्मीति हाय में मर गया। इस प्रकार से कोई कृपाण कोई दीन व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए या धन के लिए जैसे व्याकुल होता है, इस प्रकार से यहां भरत जो है अपने पिता को याद करते हुए निपपात महाबाहु बाहु विक्षिप्य वीरवान, दोनों हाथ जिनके फैल गए हैं और इस प्रकार से धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बड़ा रुदन हो रहा है, पिता को याद कर रहे हैं कि मैं पिता के चरणों में प्रणाम करता था तो पिता किस तरह मेरे सिर पे हाथ फेरा करते थे, जिनके हाथ का स्पर्श पा करके मेरी सारी थकान दूर हो जाया करती थी, मेरे सारे दुख दूर हो जाया करते थे। जो पिता मुझे जब आशीर्वाद देते थे तो मुझे ये लगता था कि जैसे मैंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया है। आज वो पिता वो आशीर्वाद देने वाले हाथ मेरे सिर से उठ गए हैं। भरत इस तरीके से विलाप करते हैं, बेहोश की अवस्था में जमीन पे तड़प रहे विलाप कर रहे भरत को माता कैकेयी खड़ा करती है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम से राजपुत्रः महायसा तद्विधान ही सोचंती संतः सदस्य सम्मताः, बड़ी ज्ञान की बातें कर रही है। भाई ऐसे लोग बड़े ज्ञानी हुआ करते हैं। तो कैकेयी कह रही है, अरे पुत्र खड़े हो है? आप राजपुत्र हैं, आप महान यशस्वी हैं, आप जैसे लोग इस प्रकार से इन सब चीजों की चिंता नहीं करते। स्वार्थी व्यक्तियों का यही होता है, वो अपने स्वार्थ में इस प्रकार से रच पच जाते हैं कि उन्हें सारे संबंध, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता कोई भी संबंध उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। वही कैकेयी यहां कह रही है, ये आर्य सत्य वाक्य भी है लेकिन यहां कैकेयी आर्य सत्य नहीं बता रही है। अगर आप में स्वयं में अपना कोई स्वार्थ नहीं हो और आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आप ये बात कहें तो ये आर्य सत्य है,
लेकिन जहां आप अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, अरे दुनियादारी जाए भाड़ में, दुनियादारी तो मरने के लिए ही व्यक्ति पैदा होता है, ये अगर आप अपने स्वार्थ के लिए सोच लेते हैं तो इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सार रुदित्वा चिरम कालम भूमम विपरिवृत्य चा जननी प्रत्युवाचेदम शोकैर बहुविरावृतः। माता केकई बड़ा ही चुप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भरत जो है वो पृथ्वी पे इधर उधर लौटते हुए, इधर उधर दुख से तड़पते हुए कहते हैं, हे माता, मैंने तो सोचा था कि महाराज मेरे बड़े भाई राम को युवराज बना के उनका राज्याभिषेक करके और स्वयं कृत संकल्प होकर के यात्राम यासिसम प्रसन्न होकर के और तीर्थ यात्रा करेंगे, यज्ञ यागादि करेंगे, यानी राज्य काज के भार से मुक्त होकर के वो वानप्रस्थ धर्म धारण करेंगे और मेरे बड़े भाई राम का वो अभिषेक करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के ये मैं क्या देख रहा हूँ, यानी जब भरत को पुरोहित का ये आमंत्रण आया था तो भरत रास्ते में खरी बुरे विचार ही नहीं आए होंगे स्वप्न की वजह से, इस प्रकार के विचार भी आए होंगे कि संभवतः ऐसा है कि मेरे पिता जो हैं वो राम को युवराज बना रहे होंगे और इसलिए बड़ी जल्दी में मुझे बुलाया गया है। तो उस बात को यहां अभिव्यक्त करते अपनी माता के सामने, फिर कहते हैं, अम्ब केनात्यगाद राजा व्याथिना मय्य नागते धन्या रामादया सर्वे यही पताम संस्कृता स्वयं। अरे माँ, ये तो बताओ कि मेरे पिता को ऐसी क्या आधी व्याधि हो गई थी जिसकी वजह से मैं उनके दर्शन कर पाऊँ इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। भाई कोई बहुत बड़ा रोग हो, कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना घटित हुई हो कि जिसके कारण उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई कि मैं उनके दर्शन तक नहीं कर पाया, तो उनका अंतिम संस्कार जो मेरे बड़े भाई राम ने किया है उस अंतिम संस्कार को करने वाले धन्या रामादया सर्वे, राम लक्ष्मण वगैरह जो मेरे बड़े भाई हैं वो धन्य हैं। फिर भरत राम के बारे में पूछते हैं, योमे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि धीमतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहे रामस्य कृष्ण कर्मणा। राम ने कैसे पिता दशरथ के अंतिम संस्कार और सारी विधियां पूर्ण की हैं, हे माता वो मुझे सारी बात आप बताओ, क्योंकि वही मेरे बड़े भाई हैं, वही मेरे सखा हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पिता हैं, सब कुछ वही है मेरे। ऐसे में केकई कहती है कि आपके पिता का भी कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, आपके पिता तो अभी ऐसे ही हैं, क्योंकि आपके पिता मरते मरते ये बोलते बोलते मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया है कि वो लोग धन्य होंगे जो राम लक्ष्मण और सीता को वापस आता हुआ देखेंगे। तब भरत पूछते हैं कि तो राम लक्ष्मण और सीता मेरे बड़े भाई ये सब लोग गए कहां हैं? सही राज सुता पुत्रा चीरवासा महावनम दंडकांसह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। वो तो चीर वस्त्र पहन करके और दंडक वन में चले गए हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं और सीता जी भी उनके साथ गई हैं। इस प्रकार से माता की बड़ी ही क्रूरता से उसको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी बात कह रही हूँ भरत से, लेकिन भरत के लिए जो बहुत ही कठोर वाणी है उसका वर्णन कर रही है। ऐसे में भरत पूछते हैं, कंचिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण कस्यचित कश्चि नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसता। अरे भाई ऐसी कौन सी बात होगी जिससे मेरे बड़े भाई राम को वनवास दे दिया गया, नगर से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया, उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, उन्होंने किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण कर लिया, उन्होंने किसी दरिद्र गरीब व्यक्ति के साथ कोई दुराचार किया, उन्होंने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं? तब क्या कह कहती ना ब्राह्मण धनम कश्चित हृतम रामेण धीमता। अरे राम, राम जैसा व्यक्ति के ही किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण कर सकता है? किंचन आढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसता, ना किसी दरिद्र या धनवान के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। न राम पर दारांश्य चक्षुभ्याम अपि पश्यति, अरे राम तो किसी पर स्त्री को अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं। मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनम्। तो ये हुआ कैसे है, जैसे कि ये बड़ा महान कार्य मैंने किया है, तो कह रहे कि जैसे ही मैंने महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करेंगे ये बात जैसे ही मैंने सुनी वैसे ही
मेरे पास जो तो वरदान थे उन वरदानों से याचितस्ते पिता राज्यम रामस्य च विवासनम, उनसे मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और राम का वनवास मांग लिया है। रामस्य सह सौमित्रः प्रीषितः सह सीतया तमपस्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशः, क्योंकि हे पुत्र मैं तुमको इस अयोध्या का यशस्वी राजा बना हुआ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के साथ राम को वन में भेज दिया है। त्वया त्विदानीं धर्मज्ञे राजत्वम् अवलम्बिताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदम् एवं विधम् कृतम्। भरत से कह रही है अब तुम इस राज्य के अधिकारी बनो, इस राज्य पद को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही ये सारे कार्य मैंने किए हैं। माम शोकम माम च संतापम धैर्य मास्त्रे पुत्र गए त्वदधीना ही नगरी राज्यम ते तद अनायकम। अब दुख मत करो, संताप भी मत करो हे पुत्र, अब ये पूरा राज्य जो है तुम्हारे अधीन है, क्योंकि अब इस राज्य का और कोई नायक नहीं है, तुम ही इसके नायक हो। तत्पुत्रम शीघ्र विधिना विविधे वशिष्ठे मुख्य सहितो द्विजेंद्रे संकाले राजा ने मदीय सत्व आत्मानुभ्याम अभिषेच्यस्व। वशिष्ठ वगैरह महाराज की आज्ञा है, उस हिसाब से तुम ये सारे संस्कार पूरे कर दो, उसके बाद तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। के ऐसा कहती है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद मित्रों, रम्या रामायणी कथा चल रही है, सुनते रहिए।